तो गाइस साल की बिगेस्ट सेल आ चुकी है और साल की बिगेस्ट ऑफर्स भी रिवील हो रहे हैं और कुछ कुछ हो चुके हैं। सो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सारे के सारे लैपटॉप के ऑफर्स और डील्स। आप कौन सा लैपटॉप ले सकते हैं, कौन सा अच्छा है, क्योंकि सब में डील चल रही है, तो भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, आपके हिसाब से आपके प्राइस में कौन सा बेस्ट वैल्यू दे रहा है मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जो लाल बटन है दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अप टू 50% ऑफ मिल रहा है लैपटॉप्स में, तो किक स्टार्टर डील्स हैं लेकिन कुछ कुछ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो जैसे कि सबसे पहला, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अंडर 30,000, मतलब अंडर 30,000 इससे अच्छा लैपटॉप मेरे को कहीं नहीं मिला। और मैं मतलब शॉमी का लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने सोचा नहीं था, बट स्पेक्स इतने अच्छे हैं और अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं। सो रेडमी बुक आपको मिल जाएगा 15 इंच का, इंटेल कोर i3 11 जनरेशन, 8 GB रैम, 256 GB SSD, मतलब डिसेंट लैपटॉप है एंड काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। इतने बजट में आपको कोई नहीं दे सकता, तो बिल्कुल ले सकते हैं एंड इस पर कार्ड डिस्काउंट सब अलग लग जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको पहले बता दूं कि इंटेल का हम 10th 11th 12th तीन जनरेशन लेके चल रहे हैं, लेटेस्ट 12th है, और आपका राइजन में भी तीन जनरेशन जो कि है आपका 4th, 5th एंड 6th अभी लेटेस्ट है, ठीक है। इसके बाद बात करें अब 40,000 के अंदर भी ये लीड कर रहे हैं, रेडमी का ही बुक है आपका 40,000 के अंदर, और कोई ढंग का नहीं लगा मेरे को। i5 11th जनरेशन दे रहे हैं लोग, थिन एंड लाइट लैपटॉप है, 8 GB रैम, 512 GB SSD। इसमें आप वैसे भी 40,000 के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई गेमिंग लैपटॉप मिलेगा, तो बहुत अच्छा है ये भी अभी इस प्राइस में, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम MSI का मॉडर्न 14, तो ये भी एक रिकमेंड कर देता हूँ कि राइजन का है अगर आपको राइजन लेना है तो। 14 इंच का है लेकिन ये थोड़ा साइज छोटा है एंड 8 GB रैम, 256 GB NVMe SSD, तो ये भी देख सकते हैं 40,000 के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो 2-in-1 लैपटॉप अगर लेना है आपको 50,000 के अंदर, तो ये देख सकते हैं वीवो बुक फ्लिप 14 इंच का है और i3 11 जनरेशन मिल जाता है, तो 8 GB रैम, 512 GB SSD सही है, मतलब इस प्राइस में इतना थोड़ा सा मिलता है, मतलब 2-in-1 भी हो जाता है ना इसलिए। अब बात करें एक्चुअल में गेमिंग लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, i3 नहीं है इसमें, i5 10 जनरेशन है, 1650 है और आपका 8 GB रैम, 512 GB NVMe SSD है। तो अगर 50,000 के आसपास आपका टाइट बजट है तो आप ये देख सकते हो और डिस्काउंट ले लुआ के आपका 50,000 के नीचे चले जाएगा, तो दैट्स गुड। इसके बाद अगर हम बात करें एक और 2-in-1 लैपटॉप आ जाता है अगर आप इंटरेस्टेड है, तो i3 12 जनरेशन आ जाता है, इसमें लेटेस्ट है और आपका 8 GB रैम, 256 GB SSD एंड दैट्स इट। 52,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आ जाता है गेमिंग लैपटॉप अगला, जो कि है आपका राइजन 5 4600H एंड 4144Hz का डिस्प्ले, 1650 का ग्राफिक कार्ड, मतलब अभी 5250 के आसपास आपको 1650 ही मिलेगा ज़्यादा अच्छा, ठीक है, 8 GB और 512 GB SSD, तो दिस इज ऑल्सो गुड, आप जा सकते हैं असूस टफ गेमिंग के। अब बात करें इसी में एक और आता है इंटेल का i5 10 जनरेशन का, और इसमें भी 1650 है, 8 GB और 512 GB SSD, ये भी देख सकते हैं। साथ साथ आपका Asus VivoBook Ultra अगर आपको पतला लैपटॉप लेना, i5 11 जनरेशन मिल रहा है आपको इसमें, 16 GB की रैम, 512 GB SSD, मतलब ऑफिस वर्क के लिए एकदम बढ़िया है, एकदम बहुत ही पावरफुल है, तो ले सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। अब एक और आ जाता है हमारे पास Xiaomi का आपका Intel i5 11 जनरेशन के साथ, थिन एंड लाइट लैपटॉप, 8 GB रैम, 512 GB SSD एंड ये आपको मिल जाता है अल्ट्रा 3 के रेजोल्यूशन के साथ, और काफ़ी अच्छा है ये भी 53,000 के हिसाब से, तो अच्छा है एंड काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है लैपटॉप। साथ ही साथ अब बात करते हैं अगला आ जाता है HP 14S 12 जनरेशन i5, 8 GB रैम, 512 GB SSD और इसमें आपको इंटेल RX 6 ग्राफिक्स मिल जाता है, सो ठीक ठाक है। और अब बात करें हम इसमें फिर से आ गया Xiaomi का ही मी नोटबुक प्रो क्वाड HD, ये ज़्यादा अच्छा होगा डिस्प्ले, और i5 11 जनरेशन आ गया इसमें और आपका 8 GB रैम, 512 GB SSD, इंटेल RX 6 ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो 56 के हिसाब से ये भी आप देख सकते हैं। साथ साथ Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 के साथ हेक्सा कोर है, 5500U मिल जाता है हम लोग को, 8 GB रैम, 512 GB SSD एंड GTX 1650, सो दैट्स गुड, अंडर 60 अभी 1650 ही मिलेगा आपको। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल गेमिंग 3 इंटेल i5 11 जनरेशन, यहाँ पे भी आपको GTX 1650 बट 120Hz का डिस्प्ले मिल जाता है, 3 मंथ्स का गेम पास वगैरह मिल जाता है, वो सब तो ठीक है, 57 के हिसाब से दैट्स गुड। अब चलते हैं आगे, आ जाता है हमारे पास फिर से एक और मी नोटबुक प्रो का वर्जन, जिसमें कि आपको मिल जाता है
IPS एंटी ग्लेयर i5 11 जनरेशन 14 इंच का है ये डिस्प्ले, 16 GB रैम है, 512 GB SSD है 57,000 का, सो ये भी ठीक लगा मेरे को। और अब आता है HP विक्टस, सबसे बढ़िया लैपटॉप्स हैं इसके गेमिंग के। सो राइजन 5 5600H मिल जाता है आपको, आपको 8 GB रैम, 512 GB SSD और AMD का ग्राफिक कार्ड मिलता है RX 5500M। सो दिस इज ऑल्सो गुड, काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो अंडर 60 के हिसाब से सबसे अच्छा अभी तक का तो यही लैपटॉप है, ठीक है। और अब चलते हैं हम आगे, आ जाता है आपका, तो अब चलते हैं हम आगे। सो यहाँ पे आ जाता है असूस वीवोबुक 15, 15 इंच का है, i7 10th जनरेशन मिल जाता है आपको, 16 GB रैम, 512 GB SSD, आईरिस प्लस ग्राफिक्स हो गया है, और ठीक है 58,000 के हिसाब से इतना अच्छा भी नहीं लगा मेरे को, ठीक है। इसके बाद बात करें एसर स्विफ्ट 3, इसमें आपको आई क्या है इसके अंदर, ईवो का है इंटेल का i5 12th जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD एंड सिंपल सा ही है लैपटॉप 60,000 के हिसाब से। बट अब आएंगे अच्छे लैपटॉप्स, ये देख सकते हैं आइडिया स्लिम 3 इंटेल कोर i5 12th जनरेशन, 16 GB रैम, 512 GB SSD। तो भाई जहाँ पे 16 GB रैम मिले तो वही लो मैं तो बोलता हूँ, या ऑफिस लैपटॉप हो गया, गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है। अब आएगा आपका गेमिंग लैपटॉप, सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप आ गया 60,000 का, अगर आपका बजट है आसपास तो ये ले लो आंख बंद करके, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है i5 11th जनरेशन, बहुत ही अच्छा है, 60 Hz का डिस्प्ले, ठीक है, 8 GB रैम, 512 GB NVMe SSD है, आपको RTX 3050 मिल रहा है लेटेस्ट, तो ये काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है। और आपका 500 कूपन लग गया तो 6150 का हो जाएगा, 61500 का हो जाएगा, उसके बाद और कार्ड डिस्काउंट 1500 और कुछ लग जाएगा, 60,000 में आपको आराम से मिल जाएगा, मतलब 1500 से ज़्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा, बट हाँ मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेल का नया आ जाता है G15, 5511 एंड i5 11th जनरेशन के साथ, 8 GB, 512 GB SSD, RTX 3050, और ये भी काफ़ी अच्छी डील बन जाती है अगर आप 65,000 के हिसाब से लेना चाह रहे हैं। तो आप चलते हैं आगे, और आपका HP यानी यहाँ पे आ जाता है 12th जनरेशन के साथ i5 16 GB रैम, 512 GB SSD एंड ठीक है, मतलब अगर आपको लेना है तो, बट ठीक ठीक है। इसके बाद अगर बात करें गेमिंग लैपटॉप आ जाता है A15, इसमें भी हमें 3050 मिल जाता है एंड Ryzen 7 मिल जाता है इसके अंदर 4800H एंड 8 GB रैम, 512 GB SSD, दिस इज ऑल्सो गुड 68,000 के हिसाब से। अब बात करें GF13, i7 मिल जाता है 11th जनरेशन, आपको 8 GB रैम, 512 GB SSD, अगर आपको थोड़ा पावरफुल CPU चाहिए तो उसके हिसाब से देख सकते हैं RTX 3050 मिल रहा है, और 68,000 का, उसमें आपका कूपन लग गया 500 रुपये ऑफ। इसके बाद बात करें हम आ जाते हैं Asus TUF A15 Ryzen 7 4800H के साथ, RTX 3050, सेम 3050 के आपको बहुत मिल जाएंगे लैपटॉप, सो दिस इज ऑल्सो गुड 16 GB रैम, 512 GB SSD मिल जाते हैं, तो 72,000 के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छी डील है। अब बात करें यहाँ पे आ जाता है i5 12th जनरेशन, 144 Hz का गेमिंग डिस्प्ले, 8 GB रैम, 512 GB SSD, NVMe ज़्यादा अच्छी होती है SSD, ठीक है, और 3050 आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, तो दिस इज ऑल्सो गुड 80,000 के हिसाब से। अब आपको ब्रांड प्रेफरेंस होता है उसके बाद, तो ये सबसे अच्छा लगा मेरे को लैपटॉप i5 12th जनरेशन, 144 Hz का डिस्प्ले, 16 GB की रैम, 1 TB की NVMe SSD और RTX 3050, तो ये भी काफ़ी तोड़ू डील है, ये भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम असूस ROG स्ट्रीक्स G17, 17 इंच का ये, 144 Hz का डिस्प्ले, Ryzen 7 6800H, सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर राइजन का, 3050 ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है आपको, सो दिस इज ऑल्सो गुड, देख सकते हैं आप। चलते हैं हम आगे, आ जाता है MSI कट्ठाना GF66 थिन एंड लाइट i5 12th जनरेशन, आपका 140 Hz का गेमिंग लैपटॉप है, मतलब स्क्रीन 16 GB, 512 GB NVMe SSD, 3050 Ti मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अगर आपको ग्राफिक कार्ड पावरफुल चाहिए। इसके बाद एक और आ जाता है कटाना में ही i7 11th जनरेशन, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गया, आपका CPU 16 GB रैम, 512 GB NVMe SSD और 3050 Ti, ये भी काफ़ी अच्छा है 3086 में। और यहाँ पे 17 इंच का फिर से एक और मॉडल आ गया Ryzen 7, सेम 3050, ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, नहीं अच्छा 8 GB रैम है यहाँ पे और यहाँ पे 16 GB रैम है, ओके जस्ट ये डिफरेंस है इन दोनों में कि 8 GB और 16 GB रैम में आपका इतना फर्क हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 17 इंच का एक और आ गया है 3050 Ti मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है, और आपका Ryzen 7 4800H दैट्स पावरफुल एंड 16 GB रैम, 1 TB SSD, तो और अच्छा हो गया, दिस इज ऑल्सो गुड अगर आपको देखना है तो। अब बात करें आगे आ जाता है, तो अब आ जाता है MSI का कटाना GF66 i5 12th जनरेशन के साथ, 140 Hz का डिस्प्ले, 16 GB की रैम, 512 GB NVMe SSD, लेकिन RTX 3060 है इसके अंदर,
तो बहुत ही पावरफुल हो गया, और 1 लाख के हम बहुत जल्दी पास पहुंचने वाले हैं। 95,000 का है ये। और उसके बाद बात करें LG ग्राम, अगर पतला सा लैपटॉप लेना है i5 12 जनरेशन के साथ, ईवो, थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंट होता है, इंटेल RX 6 की ग्राफिक्स मिल जाएंगे, 8 GB रैम, 512 GB SSD, थंडरबोल्ट 4 के साथ मिल रहा है, USB-C के साथ, एंड बिल्ट इन AI एंड ऑल, एंड 3 ईयर्स वारंटी एंड ऑल। सो देख सकते हैं 96,000 के आसपास। अब देखें अगर एक और आ जाता है i7 11th जनरेशन, आपका 140 वाट्स का गेमिंग डिस्प्ले, 16 GB, 512 GB NVMe SSD, RTX 3060, 1 लाख के अंदर अंदर काफ़ी अच्छी डील है ये भी। और यहाँ LG ग्राम भी आ जाता है फिर से एक और मॉडल, इसका 16 GB, 512 GB NVMe SSD के साथ, और ऑलमोस्ट सेम ही है, एंड 1 लाख के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 लाख के ऊपर जो लैपटॉप आते हैं हमारे पास, सैमसंग गैलेक्सी बुक टू में, इसमें अलग अलग लैपटॉप है लेकिन सारे ईवो वाले हैं और कुछ कुछ स्नैपड्रैगन वाले हैं। सो ठीक ठीक लगा मेरे को, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, ब्रांड नेम के थोड़े ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो ठीक लगा मेरे को, इसके ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। उसके बाद अगर बात करें LG ग्राम की, मैंने बात कर ली, इनके आपको अलग अलग मॉडल्स हैं, अब इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हैं ये सारे मॉडल्स। सो ये सारे हमारे पास ASUS TUF के सेम मॉडल्स हैं, उसके अपग्रेड वर्जन है, थोड़े से महंगे हैं, तो आप अगर आपको ये लेना चाहें तो 1 लाख के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद आपका ऑब्वियसली मैं ये नहीं मेंशन करूं तो कैसे चलेगा, मैकबुक, हमारे एप्पल मैकबुक प्रोस, तो आपको अगर लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि सेल में आने वाले हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि एप्पल मैकबुक एयर M1 16 GB वाला आपको 1 लाख के अंदर मिलने वाला है, जबकि वो 1 लाख के ऊपर जाता है और अभी स्टॉक में नहीं है, मैंने देखा स्टॉक में दिखाई नहीं रहा, अभी सिर्फ यही दिखा रहा है। तो M1 अगर आपको लेना है 16 GB वाला 1 लाख के अंदर, तो बहुत अच्छी डील है, आप ले सकते हैं। और तो अमेजोन का मैं आपको डिस्काउंट बता दूं कि इसमें आपको 1500 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अदर कैटेगरीज में, ठीक है, और 1750 अगर आप EMI में लेंगे, ठीक है, और नॉन EMI में 1500, और अगर आप ज़्यादा महंगा लेंगे लैपटॉप लाइक 30,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, तो एक्स्ट्रा 1500 रुपये, 1500 रुपये, मतलब कि ऊपर वाला तो है ही और नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 लाख का लेंगे अगर आप कुछ सामान, तो 5,000 फ्लैट डिस्काउंट, और प्लस आपका कार्ड का 1500 अलग है, तो मतलब 6,500 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं बात करें डेबिट कार्ड की, तो डेबिट कार्ड में आपको सिर्फ अप टू 750 रुपीज़ ही मिलेगा, तो अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड है, तो आई एम सॉरी बट आपके लिए अच्छा नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ पे अप टू 750 ओनली। सो गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, कौन सा लेना है लैपटॉप, कन्फ्यूजन अभी भी, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी अगर और क्वेश्चन पूछना हो इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर वगैरह, जहाँ पे भी मेरे सारे लिंक्स दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम में एक चैनल है, टेलीग्राम में हमारा ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में चैनल है जिसमें हम डील्स वगैरह डालते रहते हैं बहुत अच्छी अच्छी तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जल्दी जल्दी दे सकूं। वीडियो के माध्यम से तो टाइम लगता है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं, हम ज़्यादा डील्स बता सकते हैं, तो आपका ज़्यादा फायदा होगा, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ ही साथ गाइज मैं आने वाला हूँ लाइव 21 तारीख को रात को, तो जरूर से मिल जाना, सब्सक्राइब कर लेना उसके लिए। तो ऐसे दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप उसको क्लिक करके खरीदेंगे तो मेरे चैनल को हेल्प होगी और मेरी मेहनत को सफलता मिलेगी कि मैंने आपके लिए इतने अच्छी डील लेके आया। और कल आपको एक और वीडियो मिलने वाली है फ्लिपकार्ट की, जिसमें फ्लिपकार्ट की सारी लैपटॉप की डील्स होंगी, अगर बन गई होगी तो आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो ऐसे दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।